कोई तो तेरी। हेलो काट काका, हर कोई यही कह रहा है कि बोनता का पैर काट। आप देखना, मैं इससे भी बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगा। अरे कहाँ जाएगा तू अनिरुद्ध, और कहाँ जाएगा? सुबह से 20 जगह फोन लगा चुका है, कम से कम कलकत्ता से लेकर लंदन तक डीसी और डॉक्टरों को फोन कर लिया, सबने तो यही कहा कि बोनता का पैर। तो काका क्या चाहते हैं, मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ जाऊं? और डॉक्टर्स होंगे ना लंदन के, वो उनका नंबर नहीं। अनिरुद्ध बाबू, आप बोनता को देखकर आए कि कैसी है वो, उसका पैर? सच में हैरान हूँ, बोनता के जख्म में सुधार नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इनकी दवा काम कर रही है। अनिरुद्ध बाबू, बोनता के जख्मों का सुधार अंग्रेजी दवाइयों से नहीं बल्कि आयुर्वेदिक लेप से हो रहा है जो उनकी ठाकुमा उन्हें दे रही है। अच्छा, हो सकता बेटा, कई बार ऐसी लाइलाज बीमारियों को बड़े बड़े अंग्रेजी डॉक्टर सही नहीं कर पाते, आयुर्वेदिक दवाइयों से उनका इलाज बड़ी आसानी से हो जाता है। और बोनता की ठाकुमा है तो अच्छी वैद्य। मेरी सलाह मानिए अनिरुद्ध बाबू, बोनता का इलाज ठाकुमा की आयुर्वेदिक दवाई से ही करवाइए। क्योंकि जो उनकी ठाकुमा उन्हें दवाइयां दे रही हैं आयुर्वेदिक, अगर कुछ दिन और दी जाए उन्हें तो उनका जख्म जल्दी ठीक हो सकता है। वरना अंग्रेजी इलाज तो आपको पता है जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं थी। अब तो बोनता घर पे रहेगी और घर बैठे ही इलाज हो जाएगा उसका। भालो भालो, खूब भालो। आइए डॉक्टर साहब, हम आपको बाहर तक छोड़ आते हैं। थैंक यू सो मच। कौन है वहां पर? ठाकुर मां, आप हमारी बातें से छिप कर। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए। मैंने सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा। सच कहूं तो जब मैंने बोनता का घाव पहली बार देखा तो मैं समझ गई कि सिर्फ मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। मुझे माफ कीजिएगा ठाकुर मां, मैंने आपकी दवाई की शक्ति को मामूली समझा। कोई बात नहीं, तुम जमींदार तो मुझे भी मामूली समझते हो। खैर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बोनता के भविष्य से, इसलिए मैं उसकी शादी कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसके नाम के साथ उसके पति का नाम जुड़ जाए। मैं चाहती हूँ कि अगर उसकी तरफ कोई नजर उठाकर देखे तो उसकी मांग में लगे सिंदूर को देखकर समझ जाए कि वो अकेली नहीं है बल्कि उसके सर पर किसी आदमी का हाथ है। ठाकुर मां, ये कैसी बात कर रही हैं आप? एक तरफ बोनता के अच्छे भविष्य की बात कर रही हैं तो दूसरी तरफ उसकी शादी करवाकर उसे मार देना चाहती हैं। आप बेशक एक अच्छी वैद्य हैं, पर एक अच्छी ठाकुर मां बनकर भी तो सोचिए ना। बोनता भी बच्ची है ठाकुर मां, क्या उसकी शादी करवानी चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये शादी करवाने की सही उम्र है? और तो और, बाल विवाह तो कानूनी तौर पर अवैध है ना, गैर कानूनी है। देखिए ठाकुर मां, मैं एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, मैं ये अमानवीय शादी नहीं होने दूंगा। फिर चाहे मुझे पुलिस को बुलाना पड़े या कोई बड़ा कदम उठाना पड़े। वैसे तुम चाहते हो ना कि बोनता का पैर ठीक हो जाए और उसे काटने की नौबत ना आए। ये कैसा सवाल हुआ ठाकुर मां? हाँ, मैं चाहता हूँ बोनता का पैर ठीक हो जाए, उसे काटना ना पड़े। और तुम ये भी जानते हो कि सिर्फ मैं उसका इलाज कर सकती हूँ, और अगर मैंने उसका इलाज नहीं किया तो उसका पैर काटना पड़ेगा। और आप उसका इलाज क्यों नहीं करेंगी ठाकुर मां? आप एक कुशल वैद्य हैं, और तो और बोनता की ठाकुर मां है ना।
मैं बोंदेदा की ठाकुर माँ हूँ और एक चोट खाई औरत भी हूँ जिसे एक जमींदार उसकी शादी के दिन उसे छोड़ गया था। एक ऐसी औरत भी हूँ जिसने जमाने के ताने सहे हैं, मान सम्मान खोया है सिर्फ एक जमींदार के कारण। इसलिए वो औरत नहीं चाहती कि किसी जमींदार के कारण उसके घर की लड़की को ये सब सहना पड़े। तुमने तो अपनी गर्दन नहीं झुकाई माफी के लिए, तो मैं भी नहीं चाहती कि बोंदेदा नजरें झुकाकर अपना जीवन जिए। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं उसका इलाज करूं तो मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी शर्त है कि बोंदेदा की शादी में तुम रुकावट नहीं बनोगे और अब से तुम उसकी जिंदगी से गायब हो जाओगे, उसके सामने भी नहीं आओगे और न सिर्फ उसे छोड़कर चले जाओगे बल्कि वापस आने के सारे रास्ते भी खत्म करके जाओगे। उसे यकीन दिलाओगे कि तुम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ठाकुर माई, आप गलत कर रही हैं। आप बोंदेदा के प्रति मेरे लगाव का फायदा उठा रही हैं और तो गलत है ना ठाकुर माई? यही तो बोंदेदा ने भी किया, अपने प्रति मेरे लगाव का फायदा उठाकर तुम्हें जेल से बाहर निकलवा दिया। और मैंने किया क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं बोंदेदा का इलाज कर सकती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं बोंदेदा का इलाज करूं तो तुम बोंदेदा की गाय होलूद और उसकी शादी नहीं रोकोगे, और अगर तुमने रोकने की कोशिश की तो मैं बोंदेदा का इलाज नहीं करूंगी। फिर तुम और तुम्हारा वो अंग्रेजी इलाज जो कहता है वो करते रहना। अब तुम तय कर लो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी जिद और तुम्हारे आदर्श ज्यादा जरूरी है या बोंदेदा का पैर। अकुमा, आपके पास दिल है भी या नहीं? आप भूल रही हैं कि आप एक वैद्य हैं। लोगों की इलाज करना, लोगों की जान बचाना आपका कर्म है, आपका धर्म है, पर आप क्या कर रही हैं? आप अपने इसी हुनर का फायदा उठाकर अपना बदला पूरा कर रही हैं। आप मुझसे शर्त मनवाना चाहती हैं, एक ऐसी शर्त जो अगर पूरी हो जाए तो आपके पोती के सारे सपने खत्म हो जाएंगे, उसका उज्जवल भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। ठाकुर माँ, तो डूबने दो। डूबने दो? अंधेरे कौन से नए हैं औरत जात के लिए इस पुरुष प्रधान समाज में? आदमी के पीछे चलती नजरें नीचे किए हुए औरत के लिए सूरज भी नया दिन नहीं लाता बल्कि उसके अंधेरों की उम्र बढ़ा देता है। और हाँ, मैं हूं पत्थर दिल, हाँ चाहिए मुझे बदलाव तुमसे और तुम्हारे काका से हर कीमत पर। बस तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। बोंदेदा के लिए एक इज्जतदार शादीशुदा जिंदगी या बोंदेदा तुम्हारे साथ एक लाचार जिंदगी गुजारे? दीदी, जब से अनिरुद्ध बाबू धमकी देकर गए हैं कि बोंदेदा की शादी नहीं होने देंगे, तब से सासू माँ अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी हैं। अब सही भी तो है, बोंदेदा कोई टापुर टुपुर तो है नहीं कि सासू माँ कहें कि जाके कुएं में कूद जाओ और वो दोनों कूद जाएंगी। झूठ कहूं तो जान ले लो मेरी। दीदी, अब आप भी किस मुंह से कुछ कहेंगी बोंदेदा को? मैं तो कहती हूं कि समय रहते लड़के वालों को बोल के गाय होलूद की रस्म के लिए मना कर देते हैं और ये भी बोल देते हैं कि अब ये शादी नहीं हो सकेगी। चिंता तो मुझे भी हो रही है बोधी, आखिर ठाकुर माँ के दिमाग में चल क्या रहा है? ये देखो, मैंने बोंदेदा के गाय होलूद के लिए नौक्षी काथा का काम किया है अपने हाथों से।
कैसा है ठाकुमा? आप ही बताइए, ये गाय हलुद की रस्म कैसे हो पाएगी? आप तो जानती है बोंदिता, ये गाय हलुद मेंढक अगर टर टर करे तो बरसात रुकती है क्या? नहीं ना? क्यों रिमझिम बहू? जी सासू माँ। तो बोंदिता की गाय हलुद भी जरूर होगी। तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल जल्दी से गिलहरी की तरह तैयार हो जा और फुर्ती से सारे काम कर, बहुत सारे काम पड़े, चल चल। ये नहीं हो पाएगा ठाकुमा, अनिरुद्ध बाबू और बोंदिता ये कभी नहीं होने देंगे। कल मैंने खुद उन दोनों की आंखों में विरोध की आग देखी है। ठाकुमा हूं मैं जानती हूँ कि पतंग की डोर को कब खींचना चाहिए और कब ढील दे देनी चाहिए, समझी? पिंजरे में बंद परिंदे और औरत जा, जितनी जल्दी अपनी कैद से समझौता कर ले उतना अच्छा। बस बात कम और काम ज्यादा, पकड़। मुझे बोंदिता को लेप लगाने जाना है, सारे काम खत्म करो जल्दी से। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या चाहिए, बोंदिता के लिए एक इज्जतदार शादीशुदा जिंदगी या बोंदिता तुम्हारे साथ एक लाचार जिंदगी गुजारे? सखा बाबू ये सवाल गलत है। इसमें आपने पूछा है कि बोंदिता कितना तेज दौड़ सकती है। नहीं बोंदिता, ये सवाल सही। गलत है सखा बाबू, बोंदिता तो दौड़ना क्या, वो तो चल भी नहीं सकती। नहीं नहीं बोंदिता, सब गलत है सखा बाबू। कुछ गलत नहीं है बोंदिता, कुछ गलत नहीं है बोंदिता। तुम दौड़ सकती हो बोंदिता, तुम दौड़ सकती हो, भाग सकती हो, चल सकती हो, सब कुछ कर सकती हो बोंदिता। चलो जल्दी जल्दी काम करो, इसको देख, इसको सीधा कर। हाँ सारी पत्तियां होनी चाहिए उसके अंदर, बीच में रखना, बीच में। सासू माँ ये लड़के वालों के यहाँ से हल्दी आ गई है। अरे वाह हल्दी आ गई, अच्छा तू देख तो बोंदिता तैयार हुई कि नहीं। जा। जी वो
आया तो था, पर आया क्या? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। तुम में से किसी को भी नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना? देखा, भाग गए। इसीलिए बांधिता, भलाई इसी में है कि तू अपनी हल्दी पे बैठ जा। तेरी बहनें नाचेंगी गाएंगी, अच्छे से होगी तेरी गाय हौलूद की रस्म। रिमझिम, लड़के वालों के यहाँ से ये हल्दी आई है ना जी, इसे पीढ़ी पर रख दे। बांधिता बस आई रही। बोलू तो जान ले लो मेरी, कहीं नहीं जा रही हो तो। रिमझिम जी, कर लेने दे से अपनी मनमानी, कर लेने दे से अपने सखा बाबू से बात, छोड़ दे। आप बंदिता दास हो ना? आपके लिए चिट्ठी और तोहफा है। बांधिता, एक बहुत जरूरी काम के लिए तुलसीपुर वापस जा रहा हूं। बहुत समय से सिर्फ तुम में ही उलझ कर रह गई है मेरी जिंदगी। तुम्हारा भला, तुम्हारा सपना, तुम्हारी उड़ान, बस बस इन्हीं सब की चिंता की मैंने। पर अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूं। मुझे अकेला छोड़कर तुलसीपुर चले गए सखा बाबू, पर आपने कहा था ना कि हम आज कलकत्ते जाने वाले थे इलाज के लिए, और आपने वादा किया था ना सखा बाबू कि मेरे सब सपने पूरे होंगे। वो सारा समय जो तुम्हारे कारण खो दिया है मैंने, वो जीना चाहता, इसलिए अब तुम्हारे नहीं अपने सपनों के लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए मैं तुलसीपुर जा रहा हूं। आप अपने लिए सोच रहे हैं, अच्छा है सखा बाबू, पर मेरा साथ कौन देगा? कौन मुझे रास्ता दिखाएगा मेरी मंजिल का? कौन देगा मेरे सपनों को उड़ान? अब से तुम्हारे लिए वही सही है जो तुम्हारी ठाकुर मां चाहती। वादा करो मुझसे कि तुम वैसे ही करोगी जैसे तुम्हारी ठाकुर मां चाहती है। चिट्ठी के साथ जो भेजा है उसे मेरी ओर से आखिरी फेर समझना। दरवाजा नहीं खोला?
अरे कहाँ है तेरा सखा बाबू? नहीं नहीं खोल रहे हैं, क्यों? ये तो बंद है, कहाँ चले गए? अरे गोविंद बाबू इधर आइए, जरा इधर आइए। जी ठाकुर माँ। ये जमींदार दरवाजा नहीं खोल रहे? वो तो कल ही चले गए तुलसीपुर। चले गए? ऐसे कैसे? धन्यवाद, लो। मुझे तो सीना तान कर कह रहा था कि बॉन्दिता को अपने घर ले जाएगा, अस्पताल में इसका इलाज करवाएगा। देख लो, इसीलिए तुझे सावधान करती हूँ मैं। जानती हूँ इन जमींदारों को, कायर और बुजदिल हैं ये। इतिहास दोहरा दिया ना इन्होंने। पहले अनिरुद्ध का काका भागा था, अब अनिरुद्ध खुद भाग गया। सही कहते हैं, जमींदार और गिरगिट रंग बदलने में माहिर होते हैं, माहिर। मैं तुम्हें यहाँ से हटाकर लंदन भेजना चाहता हूँ। तुम्हारे सखा बाबू आ गए ना बॉम्बे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें कलकत्ता ले जाऊंगा इलाज के लिए। नहीं मेरे सखा बाबू नहीं, नहीं जा सकते मुझे छोड़ के, मेरे सखा बाबू नहीं भाग सकते। मुझे अभी भी विश्वास है उन पर, मेरे सखा बाबू लौट कर आएंगे। ठीक है, तुझे मेरी बात नहीं माननी, मत मान। पर सच्चाई तो यही है कि तेरी खुशियों पे, तेरे सपनों पर ताला लगाकर चले गए तेरे सखा बाबू। अब से ना तू उन्हें सखा बाबू नहीं, भगोड़ा बाबू कहकर बुला। नहीं, कहीं भागकर नहीं गए मेरे सखा बाबू। भगवान भी आकर कहेंगे तब भी नहीं मानूंगी मैं ये बात। मैं अभी टेलीफोन करूंगी तुलसीपुर वाली हवेली पे, पक्का कुछ जरूरी कारण होगा, इसीलिए वो कृष्णा नगर छोड़कर गए होंगे। कुछ तो हुआ है उनके साथ, ये आपने ही कुछ किया है, आप ही ने लिखवाई है ना ये चिट्ठी उनसे। मुझे माफ करना बॉन्दिता, तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाया। बॉन्दिता मुझे तुम्हारे सपने और तुम्हारे पैर के बीच किसी एक को चुनना है, तुम्हारे कदमों को चुना, उन कदमों को चुना जिनके पीछे न जाने कितनी औरतों को चलते हुए देखना चाहता था मैं। बॉन्दिता मैं तुम्हें सारी जिंदगी लंगड़ाते हुए, बैसाखियों के सहारे चलते हुए नहीं देख सकता बॉन्दिता, नहीं देख सकता। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगी और पूछूंगी उनसे। मैं जानती हूँ वो कभी नहीं जा सकते मुझे अकेला छोड़कर, कभी नहीं। बॉन्दिता बस कर बेटा, बैठ बस कर, बैठ जा बेटा, शांत हो जा। तेरे सखा बाबू तुझे छोड़कर चले गए, बस यही मान ले बेटा। रहने दे सुमति, इसको अपना दिल हल्का कर लेने। ठीक है, तू बात करना चाहती है ना अपने भगोड़े बाबू से, मैं तेरी बात करवाऊंगी टेलीफोन पर डाकखाने में। चल आ जाओ, आ जाओ। मुझे माफ करना बॉन्दिता, चिट्ठी में लिखे शब्द जितना दर्द तुम्हें पहुंचा रहे होंगे उससे कई ज्यादा दर्द उन्हें लिखते वक्त मुझे हुआ था, पर मैं मजबूर था, मुझे तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए वो सब कुछ चिट्ठी में लिखना पड़ा।
रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता तेरा।